ग्रेड वन स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कवरिंग बुक में पार्ट 10 रंगों की फुहार रीड किया और बुक वर्क किया। अब हम माय ऑब्जर्वेशंस बुक हिंदी बुक में हिंदी की माय ऑब्जर्वेशंस बुक में पार्ट 10 करेंगे। सो टेक आउट ऑफ योर बुक भाग 2। कक्षा 1 स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 23, पार्ट 10 रंगों की फुहार पढ़ा था ना हमने। अब हम इसमें बुक वर्क करेंगे। ओके, प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के लिए स्माइली ये वाला साइन बनाना है और गलत वाक्य के लिए ये वाला साइन बनाना है आपको, साइड वाला। ओके, समझ में आया आपको? जो राइट है उन पर ये वाला साइन, जो रॉन्ग है उन पर ये वाला साइन बनाना है आपको। देखिए आपका नंबर पर, आम का रंग नीला होता है। आम का रंग नीला होता है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, पीला होता है। वेरी गुड, राइट आंसर दिया। तो यहां कौन सा साइन बनेगा? ये वाला, क्योंकि यह सेंटेंस, ये वाक्य गलत है। आपको ऐसे इसके अंदर ऐसे बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वाला, ख नंबर वाला रेडी कीजिए आप। हमारे दांतों का रंग सफेद है। आपके दांतों का रंग सफेद है, राइट है या रॉन्ग, बताइए जल्दी से। राइट, तो आपको कौन सा साइन बनाना है? स्माइली बनाना है आपको। स्माइली बनाइए आप। समझ में आ गया आपको? स्माइली बनाया आपने, गुड। ग नंबर वाला देखिए, कोयल की आवाज बहुत कर्कश, मतलब खराब, कर्कश होती है, सुरीली होती है ना कोयल की आवाज, तो यह वाक्य रॉन्ग है। तो आपको क्या बनाना है? ऐसे। समझ में आया आपको? पत्तों का रंग हरा होता है, जल्दी बताइए, पत्तों का रंग हरा होता है, यस। तो आप इसमें स्माइली बना दीजिए। अध्यापिका ने फलों के बारे में पढ़ाया या रंगों के बारे में? फलों के बारे में नहीं पढ़ाया, रंगों के बारे में पढ़ाया था। तो आप क्या बनाएंगे? प्रश्न 2 देखिए, दी गई पहेलियों के उत्तर दें। ये पहेली, इसका उत्तर देना आपको। रंग है इसका हरा हरा, खाते इसको जरा जरा, पतली होती तीखी होती, खाकर ज्यादा दुनिया रोती। क्या होती है वो? क्या होती है, जल्दी बताइए? मिर्ची। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मिर्ची। रंग लाल, ख नंबर वाला देखो, रंग लाल यह होता गोल, खट्टा खट्टा लगता है, हर सब्जी की जान, डाली की शान। गोल गोल कौन होता है, जल्दी बताइए आप? खट्टा खट्टा लगता है, सब्जी में डालते हैं, सारी सब्जी में डालता है, टमाटर। टमाटर, डन। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्रों में रंग भरें। ये रंग तो आपको भरना है। इस भिंडी का कलर कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। देखिए जैसे मैम ग्रीन कलर कर रही है, ऐसे ही आपको भी ग्रीन कलर करना है। भिंडी कैसी होती है? ग्रीन, ग्रीन होती है ना। मैम आपको कुछ ही पिक्चर कलर करके बताएंगी, बाकी आपको सेल्फ करना है। समझ में आया? ये ग्रीन हो गई। अब देखिए ये कौन सी पिक्चर है? टोमेटो की। इसमें कौन सा कलर होता है? रेड। तो रेड कलर कीजिए आप, कीजिए मैम के देखा देख। देखा आपने, मैम ने भिंडी में कलर किया है और टमाटर में किया है, ऐसे अब आपको सेल्फ करना है। या HW मेंशन कीजिए, गृह कार्य। तिरंगे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। प्रश्न नंबर 4, तिरंगे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। ये भी आप सेल्फ करेंगे, HW मेंशन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर
25 पर चित्र में निर्देश अनुसार रंग भरें। यहाँ जैसे ये पिक्चर दे रखी है, देखिए आप, अब इसमें जो रंग के नाम दे रखे हैं बस आपको वही फिल करना है। मैं आपको ओनली वन फिल करके बताऊंगी, बाकी आपको सेल्फ करना है। देखिए साइड में ये ट्री बना हुआ है, यहाँ भी ट्री बना हुआ है, तो मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। ओके, तो आपको भी ऐसे ही ग्रीन कलर करना है, क्योंकि यहाँ हरा लिखा है। क्या लिखा है? हरा। तो आपको भी ग्रीन कलर करना है इसके अंदर। समझ में आया? मैम ने वन फिल करके बताया आपको, आपको खुद सेल्फ करना है। बाकी जो जो कलर का नाम लिखा हुआ है ना, वही करना है। सॉरी, यहां आपको ये भूरा कलर करना है, ब्राउन कलर। समझ में आया? ऐसे अब आपको नेक्स्ट कलर पिक्चर में कलर करना है, या HW मेंशन कीजिए आप। समझ में आया आपको? जो रंग के नेम लिखे में वही करना है आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रश्न 3, अपने मनपसंद रंग का नाम लिखकर उससे जुड़े दो वाक्य लिखिए। तो ये भी आपको सेल्फ करना है। जैसे आपका कलर रेड है, आपका मनपसंद कलर क्या है? लाल। तो लाल के ऊपर दो वाक्य लिखना है, मुझे लाल सेब पसंद है, लाल टमाटर पसंद है। ऐसे आपको दो वाक्य लिखना है। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 देखिए अब आप, यहाँ प्रश्न नंबर 7, आप भी कक्षा में रंगों से जुड़ी कोई एक पहेली पूछना चाहते हो, वह क्या होती है, हमें लिखकर बताइए। तो आपको ये प्रश्न खुद करना, इसका आंसर खुद लिखना है। आपको कोई पहेली पूछी, उस पहेली को यहाँ लिखकर बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए आप, अगर आपको आसमान में नीले रंग के अलावा कोई अन्य रंग भरने का मौका मिले तो आप कौन सा रंग भरेंगे और क्यों? ये भी क्वेश्चन आपके लिए, आपको नीले के अलावा कोई दूसरा रंग भरना है, आपकी फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग, तो उसको आपको यहाँ लिखना है कौन सा रंग भर सकते हैं। लिखें और पूर्ण हाव भाव के साथ कक्षा में बताएं। ठीक है, समझ में आया? आपको ये HW करना है, HW करना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27 पर देखिए अब आप, बहुविकल्पी प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला, हरा या गुलाबी? नीला होता है, यहाँ टिक कर दीजिए। इनमें से कौन सा लाल नहीं होता? लौकी कौन से कलर की होती है? हरे रंग की। टमाटर लाल, सेब लाल, तो कौन लाल नहीं होता है? लौकी, यहाँ टिक कर दीजिए आप। पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होता है? आप सभी को पता है कैसा होता है? हरा। तो आप क नंबर पे हरा लिखा है, यहाँ राइट कर दीजिए। नीला नहीं होता है, पीला भी नहीं होता है। पीला जब वो सूख जाता है पूरी तरह से, तब वो पीला होने लग जाता है। लाल रंग की सब्जी कौन सी है? बैंगन, गाजर, लौकी। लाल रंग की सब्जी कौन सी थी? हम बैंगन बनाते थे, क्या वो लाल होता है? नहीं। गाजर की सब्जी बनाते लाल लाल दिखती है ना, इट मीन्स गाजर। पीला रंग का फल कौन सा होता है? सभी को पता है, सबका फेवरेट फ्रूट, सबका पसंदीदा फल कौन सा है? आम। आम का रंग कैसा होता है? पीला, इट मीन्स क पर राइट लगा दीजिए। अंगूर पीला नहीं होता है, अनार पीला नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 28 पर यहाँ लिखा है, इंद्रधनुष के रंगों की पहचान करना है। क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? आप लोग बारिश में देखना इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है। किसी बड़े की सहायता से इंद्रधनुष के बारे में जानकारी एकत्रित करें। दी गई आकृति में इंद्रधनुष के रंगों के क्रमानुसार रंग भरें और रंगों के नाम दी गई जगह में लिखें। यहाँ रंगों के नाम भी लिखने, आपको ये नाम दे रखें और इसमें कलर करना है। तो ये भी आपको HW करना है, ये पूरा क्वेश्चन आपको HW करना है। पेज नंबर 28 का क्वेश्चन, यहाँ आपको जगह दे रखी है, देखिए यहाँ पे सारे कलर्स के नाम लिखने हैं आपको इंद्रधनुष के। ठीक है, और यहाँ सारे प्रश्न आपको खुद सॉल्व करने हैं। आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने इंद्रधनुष कहाँ देखा है? परियोजना कार्य में आपने किसकी मदद ली? मम्मी की, पापा की, भैया की, दीदी की, वो सब लिखना है। ये काम करते समय आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत मजा आया? ये जो भी आपको करना है यहाँ कीजिए आप। मैंने रंगों के बारे में जाना है, बहुत मजा आया रंगों के बारे में जाना, मैं इस तरह के और भी परियोजना कार्य करना चाहूंगी या चाहूंगा या चाहूंगी। आपको जो टिक करना है,
मैंने परियोजना कार्य कितने दिन में पूरा किया, कितने दिनों में पूरा किया, एक दिन, दो दिनों, चार दिनों, पांच दिन, जो भी किया है आप यहाँ कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपका चैप्टर 10 रंगों की फुहार खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर पार्ट 10 रंगों की फुहार खत्म होता है। बाय स्टूडेंट्स।